आज से एग्जैक्ट एक साल पहले 27 सितंबर 2023 को हमने द यूनिवर्सिटी सीरीज़ को लॉन्च किया था एंड हमारी सबसे पहली वीडियो थी द पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। सिंस देन 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ को हमने उस सीरीज़ में कवर किया एंड आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा था और आपका जो रिस्पॉन्स रहा था उस सीरीज़ के प्रति, उन वीडियोज़ के प्रति, दैट वॉज जस्ट वंडरफुल टू स्पीक ऑफ। एंड सिंस देन वी वर सिंपली ओवरवेल्म्ड बाय द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड योर पार्ट इन दैट सीरीज। सो हियर वी आर बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद अ ब्रांड न्यू सीरीज फॉर द सितंबर इनटेक ऑफ 2025। अब 2025 की बेस्ट यूनिवर्सिटीज पर बात करेंगे, 20 से 25 यूनिवर्सिटी को फिर से कवर करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जानेंगे सारे रिक्वायरमेंट्स। सो सिट बैक, रिलैक्स एज वी अनकवर एवरी यूनिवर्सिटी इन दिस सीरीज। Established in year 1863 with more than 45,000 students, this technical university is one of the ideal option for you if you are looking for engineering, design and architecture related courses. And आप rankings की बात करेंगे तो QS World University ranking में बिल्कुल सबसे पहले पायदान पर इनका नाम आता है एंड इन courses के लिए आग बंद करके आपकी profile evaluate करिए and simply apply to this university. Now इस university में आप bachelor's, master's and even if you want PhD courses भी कर सकते हैं। ये सारे options हैं and courses की आप typically बात करेंगे कि क्या क्या specialization है तो ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले पार्ट का। अब ऐसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की मैं बात कर रहा था तो आपको इन जनरल बताऊं तो इटली में तो ये टॉप पर आते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। एट द सेम टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आउट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज दिस इज रैंक्ड एट 111, 111 नंबर पर आती है ये यूनिवर्सिटी। नाउ एडमिशन टाइमलाइन की बात करें फॉर द सितंबर इनटेक ऑफ 2025, तो मैं 27 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 तारीख से आपके एडमिशन ओपन हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कॉल इट विल गो टिल 30th of January 2025। नाउ इसी में आप एडमिशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली है इज 50 यूरोस, विच इज ऑफ कोर्स नॉन रिफंडेबल। बट यस, एप्लीकेशन में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दो दे हैव बैचलर कोर्सेज बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए अलाउ करते हैं। नाउ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की हम आपसे बात करें तो वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट परसेंटेज। मिनिमम 70% आपके प्रीवियस एजुकेशन में होने चाहिए। ऑफकोर्स आप सबसे टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है। एट द सेम टाइम अगर आप रेगुलर मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, एम टेक इन एनी ऑफ द कोर्स, तो आपके पास बैचलर्स की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एंड इट शुड बी इन रिलेवेंट फील्ड ओनली। आपका बी डेस हो सकता है, बी टेक हो सकता है या बैचलर्स इन आर्किटेक्ट भी हो सकता है, या आपका फेमिलियर बैकग्राउंड होना चाहिए मास्टर्स करने के लिए इस यूनिवर्सिटी। वैसे आप 3 साल की डिग्री भी आपकी शो कर सकते हैं बैचलर्स की, बट फॉर दैट आपको ऑनर्स का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ऑनर्स के कोर्स के लिए जाते हैं तो आप 3 साल की डिग्री के साथ जा सकते हैं। नाउ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की आप बात करेंगे तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बट मेजरली आइल्स होता है तो आइल्स के 6 बैंड आपके पास होने चाहिए एंड रेस्ट यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। नाउ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके बेसिक वो आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गए, एट द सेम टाइम आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर जरूर चेकआउट करिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले, बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट, आपका LOR जो होता है, दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट यू विल नीड फॉर योर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। गैप ईयर्स की आप मुझसे बात करेंगे तो 5 ईयर्स फॉर बैचलर्स एंड 8 ईयर्स फॉर मास्टर्स। नाउ स्कॉलरशिप्स की बात करें इस यूनिवर्सिटी के लिए तो आपके पास मेरिट के भी ऑप्शन है, आपके पास आपकी रीजनल इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है, दैट इज योर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट स्कॉलरशिप्स आपको पता है किस बेस पर मिलती है, आपकी रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए हम डिटेल्स में वीडियो लाते रहते हैं तो वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। एंड देर आर अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स टू, वो भी आपके लिए अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी। नाउ मेजरली आपकी जो फ्री स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप जाते हैं इटली, तो उसको DSU स्कॉलरशिप बोलते हैं। बेसिक डिटेल्स आपके लिए स्क्रीन पर है एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो ऑफ स्कॉलरशिप फॉर नाउ। नाउ एट द सेम टाइम कैंपस लोकेशन की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रिमोना, लेको एंड देर आर अदर 3-4 कैंपसेस टू, इतनी जगह आपकी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान अवेलेबल है। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो, इसमें इतना ही था, बहुत सारी वीडियोज और आने वाली है स्कॉलरशिप सीरीज में, उसके लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड and yes, thanks for watching because there's many more to come.